तो क्या सोचा तुमने? What have you decided? साथ बैठकर बात नहीं करोगी? किसके बारे में? कबीर और मेरे बारे में माँ, और किस बारे में? अच्छा, पहले सिर्फ कबीर के बारे में बात कर ले हम। कैसे उसने अपनी पहली बीवी को धोखा दिया, कैसे उसने एक रिश्ते की मर्यादा को पार किया, कैसे उसने अपने एक जूनियर के साथ शादीशुदा होते हुए भी संबंध रखे। अग्नि के साक्षी जो कसमें खाई थी ना, वो भी उसने तोड़े। और श्रेया, श्रेया और उसके प्यार को जलील किया। पहले इसके बारे में बात कर ले हम। किसने कहा आपसे ये सब? माँ हूं मैं तुम्हारी। ये सब कैसे पता चला ये जानना जरूरी नहीं है। इन सब का क्या मतलब निकलता है ये समझना जरूरी है। कबीर शर्मा इंसान भरोसे के लायक है ही नहीं। हिम्मत नहीं हुई आज तक उसकी हमें ये सब आके बताने की। यू टेल मी, आज तक उसने ये सच तुम्हें क्यों नहीं बताया? उन्होंने कई बार बताने की कोशिश की, पर मुझे नहीं सुनना था। अनसुना करके सच्चाई बदल तो नहीं जाती अनन्या। और पूरी सच्चाई क्या है? जब ये सब कुछ हुआ तब कबीर के और श्रेया के क्या हालात थे पता है आपको? शादी जैसे रिश्ते को तोड़ने के बहाने मत गिनवा मुझे अनन्या। एक बार को अच्छी तरह समझ ले अनन्या, जो आदमी एक बार इस मर्यादा को तोड़ चुका है वो दूसरी बार भी कर सकता है। दुनिया देखी कहाँ है बेटा, तेरे आंखों पे तो प्यार की पट्टी चढ़ी हुई है और अकल से तू एकदम मासूम है। तू क्यों नहीं समझती मैं तुझे टूटते हुए नहीं देख पाऊंगी? प्लीज बेटा प्लीज। आपकी ये बातें ज्यादा तोड़ रही है मुझे। कबीर से दूर रहने को कहकर आप टुकड़े कर रही है मेरे। Why are you doing this? I love him. और बस, जो चीजें हो नहीं सकती उसके बारे में बात नहीं करें तो अच्छा है। और अगर फिर भी तुम करना चाहती हो तो फिर मेरे मर्जी के खिलाफ तुम आगे जाके कुछ भी कर सकती हो। एक बात बताओ, अगर मैं चाहूं भी ना तो भी कबीर नहीं मानेंगे, क्योंकि उनका ये मानना है कि हमारा जो कुछ भी होता है वो आपकी मर्जी से, आपकी परमिशन के साथ। ठीक है, अगर आप चाहती है कि मैं ये रिश्ता ही तोड़ दूं तो मैं तोड़ देती हूं, बट मैं ये कसम खा के कह रही हूं कि इसके बाद मेरी जिंदगी में कोई नहीं आएगा। मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगी। मैं आपकी जितनी इज्जत करती हूँ, आपसे जितना प्यार करती हूँ, उतना कबीर से भी करती हूँ, उनकी भी इज्जत करती हूँ। तो ये फाइनल है कि मैं किसी और से शादीवादी नहीं करूंगी। ठीक है, तो फिर ये डिसाइड किया है ना आपने कि मैं कबीर से ब्रेकअप कर लूंगी और फिर यहाँ पल पल उनकी याद में मरती रहूंगी। खुश? बेजी आपने सनी, क्या हो गया? ऐसे लंगड़ा के क्यों चल रहा है? और क्या बनूंगा भाई, वो बेबी जी का दिल फतेह करने निकला ना। मतलब भाई वो घोड़े की लात खाई? नहीं, घोड़े की लात खाली तुमने? नहीं 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 भाई नहीं, मतलब आपने घोड़ा चलाया होगा ना? नहीं ना, नहीं। अच्छा रुक, पहले बैठ जा, पहले बैठ जा, बैठ बैठ बैठ, आराम आराम। आपने घोड़ा तो चलाया नहीं होगा, क्या दर्द समझो आप मेरा। भाई आज पहले ही प्रैक्टिस थी, पहला दिन था मेरा, ये बुरा हाल कर दिया मेरा घोड़े ने। पता सनी, अभी ना मंजिल बहुत दूर है तेरे लिए। देख, पहले ना तेरे को थोड़ा सा हैंडसम बनना पड़ेगा, फिर प्रिंस बनना पड़ेगा, फिर हैंडसम प्रिंस ऑन घोड़ा बनना पड़ेगा, समझा? नहीं, मतलब इसका मतलब मैं अभी
गधा हूँ। नहीं यार के... आपका मतलब यही है मैं अभी गधा हूँ? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है वे, पकड़ ले। ओए, मुंह क्यों लटका हुआ तेरा? अब क्या हो गया? कुछ नहीं। चलो मैं तुम दोनों को कॉफी पिलाता, मुंह ठीक हो जाएगा। चलो अनन्या मैम, आपको श्रेया मैम बुला रही। तुम दोनों जाओ, मैं बाद में मिलती हूँ। भैया आपने आँख क्यों भरी, क्या हुआ? यार पता है, पक्का श्रेया अनन्या और कबीर के बीच में ना कुछ गड़बड़ चल रही है। I'm sure. खुराना कौन कौन गया है तुम्हें पता है तो? नहीं, कोई इमरजेंसी नहीं है, रूटीन रिपोर्ट। हाँ, इसके अलावा मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मीडिया के कौन कौन से बंदे गए हैं तुम्हारे सरकारी ट्रिप पर। अब तो मुझे इंटरोगेट करना बंद करोगे और मुझे ये बताओ कि क्या हुआ उस बात का जो मैंने तुम्हें खबर दी थी? बहुत हाई प्रोफाइल और टॉप सीक्रेट मीटिंग्स थी वो। अभी भी ऑफिशियली वो कुछ कह नहीं रहे, लेकिन शहर में कुछ पोस्टिंग्स यहाँ से वहाँ कर रहे हैं। कुछ अच्छे ऑफिसर्स हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है और काउंटर टेररिज्म रिकॉर्ड भी, उनको मूव किया जा रहा है, लेकिन रूटीन या टेम्प्रोरी बताकर। और एक आध केस में तो कह रहे हैं कि ये ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। लेकिन मुझे ताज्जुब है कि तुम्हें ये बात कैसे पता चली? अरे काम है हमारा। खैर तो क्या मतलब लिया जाए इसका? देखो कबीर, स्वतंत्रता दिवस के महीने में थोड़ा बहुत हाई अलर्ट का मामला तो रहता ही है। यानी कि तुम जानते हो कोई बड़ा कांड होने की संभावना है, लेकिन तुम उसके बारे में अभी बात नहीं कर सकते, राइट? देखो मामला सेंसिटिव है, टाइम आने पे मैं तुम्हें खुद ही फोन करके बता दूंगा। ठीक है, थैंक्स। हाय, गुड मॉर्निंग अनन्या, कम सिट। और घर पे सब ठीक? क्यों? एक्चुअली कल रात आंटी के जाने के बाद बहुत देर तक मैं टेंशन में थी। आई कुडंट फिगर आउट कि आंटी ने मेरी बातों को किस तरह से लिया है। मेरा बहुत मन किया कि मैं उन्हें फोन करूँ, उनसे बात करूँ, बट आई थॉट खामा खा कुछ और कंफ्यूजन हो जाए, वो कुछ और सोचने लगे। सो आई स्टॉप मिसिंग। माँ आपसे मिलने आई थी। आपके आपके घर? I'm sorry, I thought आंटी ने तुम्हें बता दिया होगा। Listen, आंटी, वो टेंशन है तुम्हारे लिए, चिंतित है। And of course, मेरी वो तुम्हारी माँ है। तो बेसिकली जानना चाहती थी कि कबीर और मेरे बीच ऐसा क्या हुआ था कि हम अलग हो गए। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इस टॉपिक को अवॉइड करूं, तो जवाब नहीं आगे पर She can be very adamant. तो आपने उन्हें कबीर और तारिणी के बारे में बता दिया? उन्होंने सोचा इस बारे में, एंड फिर मुझे लगा कि वो माँ है, का हक बनता है सब जानने का। तब पता नहीं सरप्राइजिंग बात क्या है कि मेरे और कबीर के रिश्ते की सच्चाई तुम्हें भी अब पता चली, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर एक का एक बीता कल होता है, गुजरे हुए कल की रस्सी पकड़े रहने से हम आज और आने वाला कल भी तो खो देंगे ना। मैंने पहले भी एक बार कहा है कि I love the way you think, great thinking. I just hope कि तुम्हारी मम्मी भी ऐसा ही सोचती। पर फिर भी अगर अगर जरूरत हो तो मैं उनसे फिर से बात करूंगी, उन्हें फिर समझाऊंगी। Listen, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो, तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो, मुझसे कुछ भी पूछना हो, कुछ भी डिस्कस करना हो, चाहे रात के 12 बज रहे हो, 2 बज रहे हो, जस्ट पिक अप योर फोन एंड कॉल मी। आई एम ऑलवेज गोइंग टू बी।
क्या? क्या? मैं जाऊं? सब ठीक है? क्या कहा शैन? आया चल, चल कॉन्फ्रेंस में मीटिंग शुरू होने वाली है। मुझे कभी इससे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ कर लेना, वो वहीं पर है, मीटिंग के बाद कर लेना। चलो चलो। बात हुई आपकी उससे? हाँ बात हुई थी ना। नाइस। हाँ रानी, क्या स्टोरी आज? मानव से मानवता में आज हम क्या दिखाने वाले? सर दुश्मन कौन? एक दिल को छूने वाली खबर। एक पाकिस्तानी लड़की मुंबई आती है इलाज कराने के, लेकिन उसके पास इलाज के पैसे ही नहीं। ये खबर मुंबई का अखबार छाप देता और मुंबई के लोग ये खबर सुनकर उसे डोनेशन देते। लेकिन कमाल की बात यह है सर कि डोनेशन ना तो उसके घर वालों ने दिया ना दोस्तों ने, शायद इसलिए कहते इंसानी जज्बा इन सबसे बढ़कर। सुपर ब्रिलियंट स्टोरी, बहुत ही अच्छा सिलेक्शन। और जब इसे मानव गुप्ता पेश करेंगे तो एक और हिट स्टोरी। थैंक यू अनन्या, तुम जो लीड फॉलो कर रही थी उसके लिए तुमने कुछ एडवांस मांगा था। मैंने अकाउंट में बात कर ली, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। लेकिन जिसने तुम्हें इन्फॉर्मेशन दी थी उसे फिलहाल तुम सिर्फ आधी रकम देना। आज शाम तक इंस्पेक्टर खुराना उस लीड पर कंफर्मेशन देंगे, उसके बाद हम उस स्टोरी को कवर करेंगे। Excuse me guys. Sorry, कभी तुम्हारे 5 मिनट चाहिए थे मुझे, एक रिपोर्ट चेक करनी है। मेरी ब्रॉडकास्ट सेक्रेटरी के साथ एक मीटिंग है, इट्स अ लिटिल अर्जेंट। माय ऑफिस 5 मिनट्स। या श्योर प्लीज। रिचा, तुम अपने बुलेटिन के डिटेल्स मानव के साथ में शेयर कर लेना। इफ मानव इज ओके आई एम ओके। यस या श्योर कभी। ठीक है नन्या, तुम टीनू से मिला लौट कर बात करते हैं। ओके गाइस, आई हैव टू गो। ये कौन है? ये तो नहीं पता मैडम जी, असल में लीड अलग जगह से मिली है। मैडम जी हुआ ये कि वो बंटी चाचा है ना, अरे मंत्रालय वाले, मैडम जी टीनू का फोन ही नहीं ले रहे थे, बड़ा परेशान हो गया। और मैडम जी जिसका कोई नहीं होता ना, दोस्त उसके खुदा होते हैं। मेरा एक पुराना दोस्त है चंदू, वो आया मेरे पास में इन दोनों का फोटो लेके। मैडम जी, मैडम जी फोटो क्लियर नहीं आई है ना, अब पालका बाजार वाले सस्ते मोबाइल से खींचेगा तो ऐसी गंदी गंदी फोटो आएंगे। मैडम जी, मैडम जी चंदू ना लक्ष्मी नगर के ढाबे में काम करता है, वहीं आए थे दोनों खाना खाने के लिए। उनकी बातें चंदू को संदिग्ध लगी तो आपके 007 के पास आ गया खबर लेके। बता रहा था कि आजकल वहीं कहीं पास में रह रहे हैं बंदे। क्या ऐसी क्या बात कर रहे थे? मैडम जी एक पार्सल आने वाला है, इनमें से एक आदमी ने किसी को फोन लगाया और बोला कबूतर उड़ने को तैयार है। मैडम जी ये गुंडे भी आजकल बड़े फिल्मी हो गए हैं। नहीं मैडम जी, आजकल ये दोनों यहीं खाना खाने के लिए आ रहे हैं। तीनों को पक्का यकीन है मैडम जी आज भी आएंगे। आप हुक्म करो तो ट्राई करें, चले आज रात को, क्या पता कोई लीड मिल जाए। पता है मेरे दिमाग में क्या आ रहा है? क्या मैडम जी? वो जो हाई प्रोफाइल वाली मीटिंग थी ना, जिसमें सारे
मिनिस्टर्स और आर्मी एयरफोर्स नेवी के चीफ भी मिले थे, जिसमें कैबिनेट सेक्रेटरी भी थे। उसका और इसका कोई कनेक्शन भी तो हो सकता है जो किसी को पता ही ना हो। हाँ मैडम जी, हो सकता है। क्या बात है, आपकी फीलिंग में तो दम है मैडम जी। वैसे भी मैडम जी, टीनू का एक्सपीरियंस है, आपका सिक्स सेंस हमेशा सही काम करता है। अगर इस बार भी ऐसा है तो मामला मैडम जी मामूली नहीं है। ठीक है, तो रात को चल के देखते हैं, शाम को फोन कर लेना, मैं बता दूंगी कहाँ मिलना। खालिद, रिपोर्ट तो ठीक है लेकिन ये फिगर समझ नहीं पा रहा हूँ। अब कबीर, जो फिगर्स हैं वो हैं, मैंने कोई बढ़ा चढ़ा कर तो बता नहीं रहा हूँ, राइट? सो हाँ, लेकिन डेटा का बेसिस क्या है? आई मीन, मुझे पता नहीं, मैं क्लियरली तुम समझा नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या खटक रहा है। आई थिंक देयर इज समथिंग मिसिंग। इज ऑल ओके कबीर? या जस्ट हाँ। तुम कहाँ हो अनन्या? मैं बस थोड़ी देर में आ रही हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाओ। कबीर, आई होप जो भी प्रॉब्लम है उसे तुम जल्द सुलझा लोगे, और एक दोस्त की हैसियत से इतना कहना चाहूंगा कि ये पीरियड केकेएन के लिए बहुत ही क्रूशियल पीरियड है, यू नो, सो अपनी पर्सनल इश्यूज को प्रोफेशनल इश्यूज पे हावी मत होने देना। इट्स आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, इट्स जस्ट फॉर द चैनल। माँ ने हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि आप में और उनमें से मैं किसी एक को चुन लूं। जाने से पहले, विश्वास वो दौलत है जिससे हर रिश्ते का अकाउंट खुलता है। ये दौलत ना तो विरासत में मिलती है और ना ही किस्मत, ना ही उधार पर मिलती है और ना ही उपहार में मिलती है। ये तो वो दौलत है जो सिर्फ कर्मों से कमाई जाती है, और इत्तेफाक देखिए, सिर्फ कर्मों से गवाई जाती है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।